और दूसरी बात ये कि उसकी कुकिंग, अगर ये उसको थोड़ी देर पहले निकाल लेते तो इसमें हल्की सी स्मेल आती। फॉर्म टू टच एंड फ्लेकी, अगर ये इससे ज़्यादा इसको कुक कर देते तो ये फ्लेकी ना रहती, ये रबरी हो जाती। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आई एम श्योर इनके पास एक्सपीरियंस से हैं। जैसी खुशबू थी वैसा ही जायका, बेहतरीन, टू गुड। और आपने जिस तरह कहा था ना कि ये मैचलेस है, बेस्ट मटन कीमा ऐसे ही है, इट इज एक्चुअली मैचलेस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज आकिब मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के अंदर, और लाहौर के हम बेस्ट खाने आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने बेहतरीन मटन कीमा खाना है तो आपको कहाँ पे जाना है, और अगर आपने बेहतरीन बेसन वाली मछली खानी है डीप फ्राइड तो आपने कहाँ पे जाना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम, आप इनको टीवी से ऑलरेडी जानते होंगे, इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। जिस तरह मैं एक्सप्लोर करता हूँ उस तरह थोड़ा सा इनको भी मैं एक्सप्लोर करूँगा लाहौर का टेस्टी स्ट्रीट फूड। लेकिन आपके लिए मैंने जो चूज़ किया है ना वो लाहौर का बेस्ट फूड चूज़ किया। सबसे पहले सब ये तो चले हो गया, पर मैं आपको बताऊँ आई एम सच ए ह्यूज फैन ऑफ दिस गाय। ओरिजिनल कंटेंट, इतनी ज़बरदस्त बातचीत, इतना खालिस ख़ानदानी बंदा, इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को लेके जाते हैं और उन सब जगहों पे ले जाते हैं जहाँ हम कभी कभी खुद ना जाएं। और हमें लाहौर के वो छुपे हुए बड़े ज़बरदस्त हाइड आउट्स पे बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं। आँखों से आंसू आ जाएंगे ज़्यादा लग रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने कभी भी किसी को खुद से मैंने इस तरह नहीं कहा कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर। तो आई एम सो हैप्पी टू बी अराउंड हिम एंड ही इज सच अ नाइस काइंड गाय। ओवर टू यू। ओके यार, अभी हम आपको लेके जाएंगे दो बेस्ट जगहों पे। लाहौर का जो बेस्ट कीमा आपको मिलता है, बेस्ट मटन कीमा, वो आपको मिलेगा शिफा से। शिफा है मंटगोमरी रोड पे। अगर आप मैकलोर रोड पे आते हैं तो जैसे ही मंटगोमरी रोड स्टार्ट होता है वहाँ पे आएगा शिफा कढ़ाई टिक्का। लोकेशन आपको मैं समझाऊंगा अपने स्टाइल के अंदर। और दूसरी जो ऑप्शन है, दूसरे पॉइंट हम आपको लेके जाएंगे, वो बिल्कुल हिडन पॉइंट है और टोटली हिडन जैम है। अच्छा, और है क्या वो? है मछली। अरे वाह, वो मछली है डीप फ्राइड, बेसन वाली मछली, बेहतरीन लेकिन डीप फ्राइड है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिल्कुल, लेट्स लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको लोकेशन समझा दूँ। ये मेन मैकलोर रोड है, ये सामने लाहौर होटल है, ठीक है? और ये पुराना ओरिएंट होटल होता था, यहाँ पे ख़त्म हो गया हुआ। ये मेन रोड आ रहा है लक्ष्मी चौक से। जब जैसे आप लक्ष्मी का चौक क्रॉस करके आगे आएंगे, आपके लेफ्ट साइड पे ये कट आएगा, ये होटल आएगा, और इसके राइट साइड पे मंटगोमरी रोड स्टार्ट होते साथ ही आपके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये है शिफा कढ़ाई टिक्का। अगर आप इससे आगे चले जाएंगे तो ये मंटगोमरी रोड स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ द पॉइंट। अभी इनके पास ये देख, यहाँ पर जो इनके पास ये पार्ट्स पड़े हुए हैं, सारे सारे स्पेयर पार्ट्स जो जानवर के बकरे के होते हैं, यहाँ पे तवे चल रहे हैं माशाल्लाह से, और यहाँ पे कढ़ाई बनती है, और यहाँ पे भाई जो है ये प्याज चल रहे हैं, वहाँ पे गोश्त बन रहा है, वहाँ पे बेल लगता है, और पीछे सारी सेटिंग है, और ये सारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है माशाल्लाह से। लोग ये इनके पास जो है ना यहाँ पे तवे पे ये बन रही हैं। तो ये हमारे ख्याल से गुर्दे वगैरह का टक टक बन रहा है, मगज़ और गुर्दे। हाँ, मगज़ गुर्दे चांपे और बेहतरीन। अच्छा चांपे, ये क्या बन रहा है जनाब? अरे वाह क्या बात है, मगज एंड पे ऐड होगा। ये लहसुन है, लहसुन लहसुन का पानी डालते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये देखें ना कितनी बेहतरीन चीज़ है कि हम नॉर्मली अपने खाने में डायरेक्ट लहसुन डाल देते हैं, अभी उन्होंने ऊपर से लहसुन का पानी डाला है इसकी हींग खत्म करने के लिए। ये बर्फ पे लगा के उन्होंने रखे हैं, पूरे पूरा शोकेस बनाया हुआ, जबरदस्त। जितने भी पार्ट्स हैं आपको, मगज है, बाकी सारी चीजें, कितना अच्छे से पिंक है और फैट का कंटेंट बस मुनासिब जायज है। ये चेक किया आपने कागज कैसे निकाला? क्या बात है, जबरदस्त। अनप्रोसेस्ड बटर नहीं है ये, व्हाइट बटर अनप्रोसेस्ड होता है, और ये नमकीन खाने में बहुत अच्छा रहता है। बेहतरीन। हाँ जबरदस्त। तो ये बना रहे हैं चाम, चाम की चाम मिक्स। अच्छा जबरदस्त, ये मगर चाम और गुर्दा है, इसमें कपूरे नहीं ना है कपूरे, सब कुछ है। अच्छा क्या बात, अच्छा, है अच्छा। जबरदस्त, ये बोल नहीं सकते क्या? ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। इस तरह की डिसेबिलिटी के साथ हारना मानना और काम करते रहना बड़ी बड़ी बात है। सबसे मजे की बात इसके अंदर ये है कि डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी कंसीडर नहीं करना। एग्जैक्टली, आपको उसको अपनी वीकनेस नहीं बनने देना चाहिए, बड़ी बात है। ये अंकल जो है ना ये बात नहीं कर पाते, मतलब बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ माशा काम कर रहे हैं। बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये जो रेस्टोरेंट तकरीबन 40 से 45 साल पुराना है,
और लाहौर के अंदर इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। जब मैं और उमर बट हम कंपैरिजन कर रहे थे, कंपैरिजन वीडियोस कर रहे थे, जब इसका नाम आया था तो हमने यही बात, हम दोनों इस बात में मुतफिक थे कि उसके मुकाबले का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। इसकी इसके तवे कीमे का, जो तवे वाला कीमा है, उसका कोई कंपैरिजन भी नहीं किसी के साथ बनता। तो ये यहाँ की बेस्ट चीज़ है भाई। अच्छा मगज़ आप एंड पे डाल दें, पहले डालेंगे तो जल जाएगा, रबर रबरी हो जाएगा, रबड़ी हो जाएगा, रबड़ी हो जाएगा, क्योंकि मगज़ ज़्यादातर फैट सेल्स और टिश्यू होता है। अच्छा, तो अब मगज़ को जब ओवर कुक करोगे रबड़ी हो जाएगा या बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वो जो उसका मॉइस्ट जो एक टेक्सचर है वो ख़त्म हो जाता है। आप इमेजिन करो ये बेचारा सोया हुआ है। हाँ ठीक है, और इसको ये बात पता नहीं है, ये सोते उठे और छुरी और ऐसे ही होना है, अरे आज मैं मुर्गी नहीं खाऊंगा भाई, मैं तो बड़ा एनिमल लवर टाइप हूँ, जिस जानवर को देख रही हूँ उसे खाता नहीं हूँ। अच्छा ये देसी घी है जी, देसी घी है, देसी घी। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे इनका तवे चवे चल रहे हैं, और ये पीछे यहाँ पे तंदूर है, यहाँ पे ताज़ी रोटी भी बन रही है। यहाँ पे अगर आपने रोटी लेनी है आप रोटी ले लें, अगर आपने नान लगवाना है नान लगवा के ऊपर मसाले के ऊपर उसको ऐसे करवा लें, मजे की चीज़ है। ये कढ़ाई कीमे की कढ़ाई है। अच्छा कीमा तवे पे वहाँ बनता है और कढ़ाई में यहाँ बनता है। कढ़ाई कितने की है? 3600 रुपये किलो। यहाँ पे दोनों चीज़ है भाई, अगर आपने तवे वाला लेना तवे वाला ले लें, अगर आपने कढ़ाई वाला लेना कढ़ाई वाला ले, लेकिन अभी हम इसे तवे वाला चार्ज करवाते हैं। पानी नहीं हमारे मुँह से रुक रहा, बात कर भी तो काम स्टार्ट ही नहीं। हाँ अभी बनवाते हैं उसको। बिल्कुल जी, 600 ग्राम। हाँ 600 ग्राम। ठीक हो गया। ये रेडी हो गया? चलो जी। यार हमारे सामने जो है ना ये आ गया है कीमे वाला मटन, मटन कीमा। सबसे मजे की बात जो है ना वो ये नान जो है ना, ऊपर उन्होंने मसाले के साथ ही उन्होंने नान भी फ्राई कर दी है। इससे होता है कि जो ऑलरेडी मसाला होता है कीमे का, वो उसका फ्लेवर नान थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है। गुड, इतनी ज़बरदस्त महक, बिल्कुल सही महक, कितनी अच्छी है, और मीट इज परफेक्टली कुक। हाँ ना रबरी है, बहुत बेहतरीन। तो जी यहाँ से इसकी एक बाइट ट्राई करते हैं सिंपल, उसके बाद ही ट्राई करेंगे ऑप्टिमम बाइट। इसमें लाइव वाला है ना, और मीट की जो अपना फैट है ना, इसको बकरे का जो अपना फैट है उसका फ्लेवर बड़ा कमाल है, बेहतरीन। और आपने जिस तरह कहा था ना कि मैचलेस है, बेस्ट मटन कीमा ऐसे ही है, इट इज़ एक्चुअली मैचलेस। ऑप्टिमम बाइट लिया कभी आपने? ऑप्टिमम बाइट, ऑप्टिमम बाइट्स नहीं ट्राई की कभी? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको ट्राई करवाते। उसके बाद है ना, कुछ लोगों को ऐसा नशा लगता है उसका, ये वो सिंपल बाइट नहीं छोड़ते हैं, आपने ऐसे रखना है पूरा ऊपर कीमा डाल। हाँ 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 हाँ, और मज़ा दुबाला करने वाले हैं। जी जी, लीमू थोड़ा सा और ये थोड़ा सा रायता। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्शन। यहाँ से आएगा कीमा, ये थोड़ा सा सैलेड आ जाएगा, लीमू। इसका नाम है ऑप्टिमम बाइट, ऑप्टिमम बाइट। यार बहुत आला चीज़ है ये, तो बात पक्की है कि ये साकिब भाई का भी फेवरेट है ना। इस खाने की सबसे अच्छी बात ये है, ज़्यादा फ्लेवर वो मीट का अपना है, जैसे ही फ्लेवर अलग से आ रहा है, मीट का अपना फैट है, जो गोश्त के ऊपर चर्बी लगी हुई है, हल्की हल्की चर्बी, जो फैट है उसका एटेबल फैट है, उसका जो एरोमा है इसके में वो बहुत कमाल का है। और गोश्त क्योंकि हाथ का कीमा बना हुआ है,
इसलिए थोड़ा सा चुई है, आपको चबाने का टाइम मिलता है। बिल्कुल भी इतना नहीं है मशीन के गेमर की तरह नहीं कि आप खाएंगे और ये बिल्कुल अंदर ही पाउडर बन के अंदर चला जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर आपने यहाँ पे आके कीमा शीमा खाना है इनसे और कुछ भी खाना है तो आपने रोटी लेनी है सिंपल वाली, प्लेन रोटी लें, मसाले वाले नान के साथ फ्लेवर आता है ऑलरेडी क्योंकि वो मसाला नान पे लग चुका होता है जो उसके अंदर मसाला होता है। लेकिन अगर आप इससे सादी रोटी या सादा नान ट्राई करेंगे तो आपको कीमे का पूरा फ्लेवर आएगा जो कि ऑप्टिमम होगा। और अभी हम जा रहे हैं मछली खाने के लिए, अल्लाह करे मछली मिल जाए इस टाइम। मिल जाए और इंशाल्लाह आपकी रिकमेंडेशन पे है तो अच्छी ही होगी। रिकमेंडेशन का मसला नहीं, मसला टाइम का है। लेट हो गए, वो लेट हो गया, अल्लाह करे मछली मिल जाए। बिल्कुल नहीं तो कल मैं कल ही आके खा रहा हूँ। चलें जी। ओके जी। अच्छा जी, अभी हम आ गए सेकंड लोकेशन के ऊपर। यह है मोलू मछली वाला, सांदा के अंदर ये मछली मिलती है, बेसन वाली मछली है, डीप फ्राइड। बिल्कुल ठीक है। और इसके बारे में मुझे इतनी रिकमेंडेशन आ चुकी हैं यहाँ के बारे में कि यहाँ के आप मछली की वीडियो बना लें, और मैं नहीं बना पा रहा था किसी वजह से, उसके लिए मैं इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि मेरा घर यहीं पे आसपास ही है, तकरीबन 100 मीटर दूर है। हाँ। और यहाँ तक खुशबू आ रही है, खुशबू 300 मीटर तक जा रही है। हाँ, बहुत मजे की। हाँ। यहाँ के बारे में ना मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ की वीडियो बनाए, मैं क्यों नहीं। हाँ। बना पा रहा था, उसकी वजह ये थी कि मैं खुद यहाँ से मछली लेके खाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए यहीं से मछली लेता हूँ और ये ना हो इनके पास राशि लग जाए और मेरे लिए ना बचे, ये भी मसला हो सकता है। लेकिन एनीवेज हम इनको कवर करेंगे क्योंकि लाहौर के अंदर दिस इज द प्योर हिडन जेम। बिल्कुल। और कितना अच्छा खुशबू अभी यहाँ तक आ रही है। हाँ, तो आप जिस तरह मैं खाना पकाता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये इंग्रेडिएंट फ्रेश हैं कि नहीं है, तो बहुत फ्रेश हैं, बहुत ज़बरदस्त है, आप सबने ज़रूर आना है। वो सामने पॉइंट है इतनी दूर, लेकिन यहाँ तो खुशबू आ रही है उसकी। मेन सांदा रोड है, मेन सांदा रोड पे आगे जब आप आएंगे ना 4-5 आप क्रॉस करेंगे तो आगे आता है वाबडा का दफ्तर। वाबडा के दफ्तर के बिल्कुल सामने अंदर सड़क आ रही है, इस पर जब आगे आएंगे आगे तकरीबन ये ख़त्म होने वाली होती है, जहाँ ये ख़त्म होने वाली होती है ऊपर आगे आती है उमर मस्जिद, उसके बिल्कुल सामने ये पॉइंट है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आपका नाम क्या है पहले मुझे बताएं। मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, ये मोलू क्या है? सब लोग के पुठे नाम। क्या नाम है? पुठे इथो दे। पुठे नाम ने। हां, सांदे ते बहुत पुठे नाम ने। सीधे नाम तो किसे नु नहीं जानदे तुसी। तानु भी कोई नहीं जानदा है सीधे नाम तो। नहीं, सीधे नाम तो बहुत घट। तानु सारे मोलू कहंदे ने। हां जी। अच्छा, मैं दसया तुहाडा सेटअप किन्ना पुराना? 45 साल। 45 साल। तुसी आप ही बना रहे सारा कुछ? हां, आप ही। वाला साहब ने पहले। अरे वाला साहब बनांदे सी। ये बगैर बेसन वाली है? बगैर बेसन वाली। ये किस तरह किलो है? 1500। 1500। और बेसन वाली वो भी 1500? 1500। ठीक हो गया। ये जो है यहाँ पे बेसन वाली मछली बन रही है, इसमें डिप करते हैं, इसमें निकालते हैं, इसके अलावा ये बात यहाँ पे आ जाती है, और अगर बगैर बेसन की हो तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, शुरू कितने बजे करते हो शाम में? 4 बजे। शाम में 4 बजे शुरू कर लेते हो? रात 2 बजे तक? 2 बजे तक। 2 बजे तक। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे पीस आपको जो है ना तोल के, मतलब जो पीस बना बना मछली का वही मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपने आधा किलो मछली लेनी है और वो 1 ग्राम ज़्यादा आ रही है, 50 ग्राम भी ज़्यादा आ रही है तो कम कर देंगे, जितना पीस का वज़न होगा वही मिलेगा। मछली के 3 हिस्से होते हैं, वो इनसे पूछते हैं। 3 हिस्से करते हैं आप, ये क्या क्या होते हैं, इनका नाम क्या क्या रखे हुए हैं आपने? चर्बी घट होती है, जो इसमें चर्बी होती है, जो दूसरा हिस्सा होता है वो बड़ा वाला उसको क्या कहते हैं? कंगी वाला। कंगी वाला। और जो तीसरा पीछे बाजदा उन्हें क्या कहते हैं? डंडा। डंडा, वो वैसे भी डंडा ही होता ना? देखो ना, वो था ये डंडा, इसमें कंगी है सिर्फ। कंगी कटी हुई है, भी खाली गोश्त का। लेकिन वजन घट होगा। अच्छा, इसे कंगी वाला कहते हैं? आओ, कंगी वाला। कंगी वाला। और ये राना जी, मसाला बेसन चिपकता नहीं है मछली के ऊपर, तो कसा हुआ मसाला है, मतलब खुश्क मसाला है, जिसके ऊपर बाद में जब एक बैटर बना के लगाया जाता है तो ऊपर से चिपकता है। तो ये बड़ी बात है, अगर आप ये अगर दिखाएं साकिब भाई इधर ये फिश को, तो क्या इसके ऊपर कितना ब्यूटीफुल क्रस्ट बना हुआ है प्रॉपर और सही से पकी हुई। और जो सबसे बात अच्छी मुझे लगी है वो ये है कि ये सरसों के तेल में बन रही है, और ये तेल की जो एक्सपायरी ऑयल की, ये 1 डे है, ये 1 दिन के बाद उसमें रीफ्राई नहीं करते, जो कोई नहीं कर रहा, ये बड़ी बेहतरीन बात है। अच्छा यार, ये जो है ना, ये इनका सेटअप है जहाँ ये मछली वगैरह फ्राई कर रहे हैं, यहाँ पे सामने इनकी सिटिंग है, वैसे भी आप बैठ सके, बैठ के खाना खा सकते हैं। और ये जो साथ वाला रूम है ना, यहाँ पे भी इनकी सिटिंग ही है, यहाँ पे भी आप बैठ के खाना खा सकते हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे क्या करते हैं भजन? ये मछली स्टोर करते हैं यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। ओ हो हो, ये ताज़ी मछली सारी? ताज़ी मछली सारी, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे स्टोर करते हैं? इसमें नमक नमक लगा के रखते हैं आप?
ये बर्फ लगा के, ये जो है यहाँ पे ये मछली स्टोर करते हैं मसाला, यहाँ पे नमक लगाने के बाद स्टोर करते हैं आप लोग? कितनी देर अंदर रहती है नमक लगा के? कितनी देर अंदर रहती है मछली? चार दिन अंदर ही रहेगी। अच्छा, ये बाद में नमक निकलने के बाद, धुलाई होने के बाद लहसुन का पानी लगता है, उसके बाद फिर मसाला लगता है। ओए होए होए, मैरिनेशन तो बहुत लेवल के भाई, कमाल। एक और चीज़ जो है इनके बारे में वो ये है कि हर दफ़ा जब ये फ्राई कर लेते हैं और उसको मछली उसमें से निकाल लेते हैं ऑयल में से, तो उसको एक बार अच्छी तरह साफ़ करते हैं तेल से पूरा निकाल कर, जितना भी वो कचरा वगैरह या मसाला जो एक्स्ट्रा उसके अंदर आ जाता है सारा उसमें से निकाल लेते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और उसके बाद नई मछली डालते हैं उसके अंदर। जब से हम आए हैं यहाँ पर मैं खुशबू को रेट कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। और अब आप खाएँ और बताएँ आपको कैसे लगी? जो मछली खाएँ वैसे मैं पापड़ खाऊँगा। अच्छा, ये जिसका आप कह रहे थे ना अजवाइन का, बड़ा ज़बरदस्त जायका है उसमें। क्या बात है, पापड़ बनाना पूरा, हल्की सी कड़वाहट है इसमें, अजवाइन की होगी, अजवाइन का जायका है वो, कड़वाहट। हाँ जी, बहुत ज़्यादा यार। और चटनी का ज़रूर बताएं यार, ये चटनी है ना, ये धनिया पुदीने की चटनी है, ठीक है। इसमें इन्होंने दही नहीं डाला हुआ और बिल्कुल प्योर, मतलब धनिया पुदीना प्योर है ये, अनारदाना इसमें डलता साथ। हाँ, बहुत अच्छी कटा। और ये जो है ये खुबानी की चटनी है, लेकिन ये वो खुबानी नहीं है जो 200 रुपये किलो मिलती है, ये ओरिजिनल खुबानी है जो मीठी होती है और फ्लेवर होता है इसके अंदर। बाकी जगह पर जो चटनी मिलती है ना वो ऐसी होती है, उसको थोड़ा सा पतला पानी किया होता है, पानी किया होता है, ये थिक है। और आप इसको पिएंगे तो बड़ी मीठी मीठी लगेगी। ये जनाब उन्होंने आपको रान दिया। अच्छा, ये सबसे जो उसका ज़बरदस्त पीस है, बेहतरीन। मुझे किसी ने कहा था कि मछली वो जो कोकोनट की तरह टूट जाए। हाँ, फ्लेकी। हाँ, क्या बात है। बींग अ शेफ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी की मछली है। ये इतनी गर्म है, हाथ नहीं लग रहा, पर आप देखें इट इज़ सो फ्लेकी, और कितना वाइट मीट है इसका, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। कितना इट्सेल्फ होलसम, जैसी खुशबू थी वैसा ही जायका, बेहतरीन, टू गुड। मज़ेदार मिर्चों वाली मछली मुनासिब, और मीठी चटनी और हरी चटनी मिक्स करके एक बहुत ही मज़े का अमेलगमेशन फ्लेवर्स का बन रहा है, बहुत मज़ेदार। इसमें ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। पहले इसकी बाइट ट्राई करते हैं फिर बताता हूँ। मैं ना मछली के बारे में दो बातें कहता होता हूँ, मतलब दो चीज़ों की वजह से मछली का फ्लेवर आता है। एक तो ये कि उसकी मैरिनेशन, बिल्कुल। दूसरी उसकी कुकिंग, बिल्कुल। अगर मैरिनेशन ज़रा से भी ख़राब हो जाए, लहसुन का पानी ज़्यादा लग जाए, नमक कम लग जाए, मछली बहुत डेलिकेट फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि उसकी कुकिंग, अगर ये उसको थोड़ी देर पहले निकाल लेते तो इसमें हल्की सी स्मेल आती, थोड़ा सा ऊपर लगा देते तो ये सख्त हो जाती। ना ओवर कुकड है ना अंडर कुकड है, फार्म टू टच एंड फ्लेकी। अगर ये इससे ज़्यादा इसको कुक कर देते तो ये फ्लेकी ना रहती, ये रबरी हो जाती। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आई एम श्योर इनके पास एक्सपीरियंस हैं, और हम इनकी बेहतरीन मछली खा रहे हैं। यार चेक करो मछा, धुआं कैसा निकल रहा है इसमें से। वेरी नाइस, पापड़ ऊपर बहुत गाला यार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस फिश। ये जी थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी खुबानी, ये देखें बेहतरीन, और ये ज़बरदस्त, टू गुड। यहाँ से हम लेंगे थोड़ी सी इसकी हरी चटनी, इसमें अनारदाना पुदीना और धनिया मिक्स है, और ये जो है खुबानी की चटनी, मीठी चटनी है ये। इसको नान के साथ नहीं मैं खा रहा, क्योंकि नान के साथ नहीं खाना चाहता हूँ मैं इसको, बस इसलिए मैं नहीं खा रहा क्योंकि मैं खाना नहीं चाहता। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ मोलू की मछली, सांदे में, चांदनी चौक पे, बेस्ट बेसन वाली मछली ना हो। ट्रू। ओहो, है ना यार, ये जो धनिया वाली चटनी ने मजा करवाया ना, केक। ओहो, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, ऐसा लग रहा है इसमें मेथी डाली हुई उन्होंने। अगर आपने यहाँ से मछली अभी तक नहीं खाई है ना, आप बहुत बड़ा फ्लेवर मिस कर रहे हैं लाहौर के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद यहाँ पे आया हूँ। वैसे भी मैंने यहाँ से ये पॉइंट आपको दिखाना ही था, क्योंकि वैसे भी आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो भाई दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू कम। आपने यहाँ पे आना है और मछली खानी है। एक मसला है जो लोगों को लगता है, वो ये है, कोई कहते हैं इसके बारे में कि 1500 की मछली क्यों दे रहा है इतनी महंगी। उसकी रीज़न ये है कि जिस एरिया में बंदा बैठा हुआ है ना, यहाँ पे लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है इतनी। हाँ बिल्कुल, इनके लिए इस एरिया के लोगों के लिए ये है कि 1000 रुपये की मछली अगर मिल जाती तो बहुत अच्छी है। 1100 की बहुत महंगी भी हो तो 1100 की मछली, 1500 की बारे में नहीं है बिल्कुल। लेकिन भाई ये जो क्वालिटी है ना, ये 1500 में भी बहुत सस्ती है। थोड़ा खा लो, सुथरा खा लो, जनरल बता रहा हूँ, ये 1500 में भी बहुत सस्ती है बिल्कुल। और यहाँ पे वो रुका नहीं जा रहा, बातें करते हुए भी आप लोगों से रुका नहीं जा रहा। हाय हाय, की खा रहा है मैम।
टू गुड यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं, वो सामने यहाँ पे गेट लगा हुआ है ना, यहाँ पे फैमिली सिटिंग है। तो अगर आपने यहाँ पे आना ना, तो यहाँ पे फैमिली सिटिंग भी अवेलेबल है, यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं, यहाँ पे आप खड़े होकर भी खा सकते हैं, यहाँ से आप घर ले जाके भी खा सकते हैं। बहुत कमाल की मछली, आपने इसको मिस नहीं करना। यहाँ पे पहुँच जाए भाईजान, इधर जाकर रश लगा दें, जो आप पहले रश लगा होता है, लेकिन आप इसको आगे डबल कर दें, और फिर ये मजबूरन अपना सेटअप जो बड़ा करेंगे और ये लाहौर में पूरे डिलीवर भी करना शुरू कर देंगे, आई होप सो। बाकी वीडियो यहीं पर ख़त्म करें, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, बातचीत होती है इंस्टाग्राम के ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को नोटिफिकेशन आते फौरन देख लिया करें, उसको मिस ना किया करें, कल तक ना पाया करो, थोड़ी मेहरबानी। और आपसे मुलाकात करेंगे चल अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मैं सिंपल लोकेशन आपको समझाता हूँ, ज़्यादा सिंपलेस्ट वे यहाँ पर आने का, ये मेन रोड है सांदा रोड, ठीक है, ये मेन सांदा रोड आ रहा है एमयू कॉलेज वाली साइड से। यहाँ से हम आगे आएंगे, चार्ली पान शॉप क्रॉस करेंगे, हकीम वाला बाजार क्रॉस करने के बाद चार्ली पान शॉप आएगा थोड़ा आगे आके, उसे क्रॉस करेंगे, आगे आ जाएंगे तो आपके राइट साइड पे ये वापडा का दफ्तर है, ये वाला, ये सांदा सब डिवीजन लेस्को, ये पॉइंट है। और अगर आप ये रोड आगे चले जाते हैं तो ये चले जाते हैं बंद रोड पर, बंद रोड से आप सांदा रोड पर नीचे उतरें तो आपके लेफ्ट पर आएगा ये शेख फिजान एस के फिजान इस्लाम मेडिकल सेंटर, उसके साथ है सांदा सब डिवीजन लेस्को, उसके बिल्कुल अपोजिट। ये निशानी याद रखनी है, टेलीफोन का ये एक्सचेंज का बूथ लगा हुआ है यहाँ पे, इससे आप अंदर जाएंगे इस गली के अंदर, ये गली अंदर जा रही सीधी।